आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है यूजेज ऑफ एसिड। प्रीवियस लेक्चर में हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज और आज जो चीज डिस्कस करने लगेंगे है एसिड के यूजेज। यहां पे छह एसिड के यूजेज को डिस्कस करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब पास पेपर उठा के देख लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है पास पेपर में। राइट डाउन एनी फाइव यूजेज ऑफ एसिड, इस तरह पूछेगा, पांच पूछेगा, लेकिन दिए छह है या पांच ही है वो देख लेते हैं। आई थिंक पांच ही है, सही। क्या क्या है जी? राइट डाउन एनी फाइव यूजेज ऑफ एसिड। कोई से पांच एसिड के इस्तेमाल लिखो। पांच एसिड कौन कौन से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एसिड होगा वो हमारे पास होगा सल्फ्यूरिक एसिड। पहले नंबर पे तो आपको नाम आने चाहिए जो जो हमने यहां पे करने हैं। सेकंड नंबर हमारे पास होगा नाइट्रिक एसिड। थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आएगा जी बेंजोइक एसिड। और लास्ट वाला जो एसिड हमने यहां पर डिस्कस करना है वो है एसिटिक एसिड। अगर मैं इन तमाम एसिड के फार्मूलों की बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला अब अच्छे तरीके से जानते हैं, H2SO4 है। और सल्फ्यूरिक एसिड को एक और बात आपने याद रखनी है, किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। ये बाज ऑफ एमसीक्यू हो जाता है, से विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज अ किंग ऑफ केमिकल। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज अ किंग ऑफ केमिकल। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला था HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl। और इन तीनों एसिड, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन तीनों एसिड्स को मिनरल एसिड भी कहते हैं, सही है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला था बेंजीन रिंग होती है यार इस तरह की, और इसके ऊपर वाली साइड पे COOH लगा होता है, ये बेंजोइक एसिड है। नाम में आ रहा है बेंजोइक, बेंजीन से निकला, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एसिटिक एसिड है, इसका फॉर्मूला CH3COOH है, एसिटिक एसिड। अगर फार्मूला याद रख सकते तो बहुत बेहतरीन बात है, अगर नहीं याद रख सकते कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के काफी सारे इस्तेमाल सेम है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के काफी सारे इस्तेमाल सेम है, मतलब कौन कौन से? इट इज यूज इन फर्टिलाइजर। एक फर्टिलाइजर का नाम लिख दो यहां पे, अमोनियम सल्फेट। ये खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन पेंट्स, रंगों में इस्तेमाल किया जाता है। डाइज, पेंट्स और डाइज दोनों ही रंग होते हैं। डाई अमूमन कपड़ों को किया जाता है रंग, उसको डाई का नाम देंगे, और पेंट जो दरवाजों के ऊपर या दीवारों के ऊपर किया जाता है वो पेंट है। सिर्फ डाई में और पेंट में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, पेंट्स, डाइज, वार्निशेस एंड अदर मटेरियल, और मुख्तलिफ मटेरियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में जो यूज है, इसके अलावा इसको मुख्तलिफ मटेरियल में मेडिसिन आ जाती हैं, सही है, तो उसको भी आप लिख सकते हो यहां पे, ठीक हो गया। अब लास्ट में जो यूज है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का, जो बैटरियों के अंदर तेजाब डाला जाता है ना, जो बैटरी अमूमन घरों में इस्तेमाल की जाती हैं या गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उसके अंदर जो तेजाब डाला जाता है उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, सही है। और उस बैटरी को नाम देते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड अकोमोलेटर बैटरी, दोनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, सही है। तो इट इज यूज
इट यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट फॉर लेड स्टोरेज ये लेड एक्युमुलेटर भी कहते हैं बैटरीज। जो बैटरी के अंदर पानी डाला तो होता है उसमें जो तेजाब बेसिकली होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, सही है। इसके अलावा आपके नॉर्मल सीजिंग और भी बहुत सारी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाए, वॉशरूम के अंदर जो तेजाब इस्तेमाल किया जाए सल्फ्यूरिक एसिड है। कपास के बीज के ऊपर से वो रुई रुई को साड़ने के लिए जो तेजाब इस्तेमाल किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे जो मर्जी इंडस्ट्री उठा लो, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल ना होता हो, सही है। आपके जहन में जो इंडस्ट्री आती है वो लिख सकते हो वहां पर, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज है सारी की सारी इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नाइट्रिक एसिड की बात की जाए, पहला यूज सेम है, इट इज यूज इन फर्टिलाइजर, सिर्फ नाम चेंज कर रहा है। देखो अमोनियम सल्फेट क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का फार देखा जाए NH4 NO3 होता है और अमोनियम सल्फेट का NH4 twice SO4 होता है, ठीक है। ऊपर अमोनियम सल्फेट है, नीचे अमोनियम नाइट्रेट है। सेकंड नंबर में इट इज यूज इन पेंट्स डाइज वार्निशेज एंड अदर रॉ मटेरियल्स, सही है। नेक्स्ट, पुराने जमाने में ना बर्तन होते थे तांबे के, उन तांबे के बर्तनों के ऊपर ना फूल फूल से बने होते थे। अब वो जो फूल बनाने के लिए तेजाब इस्तेमाल देखे वो उसको आप कोई शार्प चीज से वो डिजाइन नहीं बनाते। आपने कभी कपड़ों के ऊपर देखा होगा डिजाइन बनाने के लिए क्या काम करते हैं, कपड़े को डिजाइन बनाने के लिए एक छापा सा होता है उसको ऊपर रखते हैं, इंक होती है उसको ऊपर लगा देते हैं, नीचे जो भी फूल वगैरह का डिजाइन होता है वो नीचे आ जाता है। सेम इसी तरह के छापे होते हैं, सही। जिस कॉपर के बर्तन के ऊपर आपने डिजाइन बनाना है ना उसके ऊपर छापा रखते हैं और बाहर वाले साइड पर नाइट्रिक एसिड लगा देते हैं, सही है। कॉपर की प्लेट के ऊपर जो डिजाइन बने होते हैं उन डिजाइनों को बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अपने अंदर कॉपर को हल कर लेता है, ठीक है। तो यही बात हम यहां पर लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर इचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट पर इचिंग डिजाइन बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नाइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही तेजाब जो कि आपके मैदे के अंदर भी रिलीज होता है खुराक को हजम करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही तेजाब है, ठीक है। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है लेदर इंडस्ट्री में, इट इज यूज इन लेदर, चमड़े की सनद में इसका इस्तेमाल, लेदर इंडस्ट्री। ये हमारे पास आगे यूज HCl के, अगर वो लिखा जाए इट इज ऑल्सो फाउंड इन स्टमिक विच इज यूज टू डाइजेस्ट फूड इन ह्यूमन बॉडी, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इतने दिए हुए, ठीक हो गया। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में जी बेंजोइक एसिड की बात की जाए तो इसको फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज टू प्रिजर्व फूड, बस प्रिजर्व फूड, खुराक को महफूज करने के लिए। खुराक को महफूज करने से क्या मुराद है, देखो जिस तरह ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रिजर्व कैसे किया जाता है खुराक को। अचार डालते हैं, अगर आमों को ना वैसे ही आप लेके उसको नमक वगैरह लगा के रख दो ना हवा में, 3, 4, या 10 दिन के बाद खराब हो जाएंगे। लेकिन आप क्या है कि उनको आमों को अचार वो नमक शमक सारा कुछ लगा लगो के उसको कहाँ भी डाल देते हैं तेल के अंदर, अब वही आम तकरीबन 7 साल निकाल जाते हैं, 2-2 साल निकाल जाते हैं। ये आपने क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, महफूज कर लिया, सही है। इसी तरह जो बेंजोइक एसिड है ये खुराक को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बेंजोइक एसिड की जगह पे आप एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो खुराक को प्रिजर्व करने के लिए, सही है। तो ये क्या होगा, इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व प्री
जहर फूड, जिसको भी खुराक महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एस्टिक एसिड को फ्लेवरिंग ऑफ फूड में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज इन फ्लेवरिंग ऑफ फूड, फ्लेवरिंग ऑफ फूड, खुराक को खुश जायका बनाने के लिए, खुश जायका बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिक एसिड का। सही है, आपने गोश्त वगैरह बनाते हैं ना, उसमें सिरका डालते हैं खट्टा जायका देने के लिए, ठीक है, थोड़ी बहुत मिकदार में लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इट इज यूज टू क्योर, इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योर का मतलब होता है अनाज करना, टू क्योर वास्प, WASP, वास्प शायद आपने पढ़ा हो, भीड़ को कहते हैं वास्प, स्टिंग, स्टिंग डंक को कहते हैं। देखो दो मक्खियां होती हैं, एक तो होती है ना शहद वाली, एक वो पीले वाली जो मक्खी होती है ना उसको वास्प कहते हैं। जैसे अगर वो आपके किसी भी जगह काट जाती है तो उसके ऊपर आप एसिटिक एसिड लगा लो, कुछ ना कुछ उसके सोजन वगैरह थोड़ी बहुत कम, मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सही है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वास्प स्टिंग होता है ना, वास्प स्टिंग ही बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा साल्ट और वाटर बना देगा, ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। अब इस टॉपिक में से दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसी वजह से पूछेगा, कहेगा राइट डाउन, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू एसिड्स विच आर यूज्ड, विच आर यूज इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स। कोई से दो एसिड के नाम बता दूं जो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दो एसिड आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा और नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक हो गया। एक और सवाल आ जाता है, राइट डाउन द नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड्स विच आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, टू प्रिजर्व फूड। कौन से दो एसिड के नाम बता दूं जो खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? कौन कौन से हैं? बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड और देन एसिटिक एसिड। ले जी, ये दो एसिड के नाम आ गए, और इसको खुश याद रखिएगा, ये कौन सा एसिड वास्प स्टिंग के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा एसिड है हमारे पास? एसिटिक एसिड है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, क्योंकि ये इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। सही है, और याद रखिएगा पेपर में इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं ज़्यादातर जो निकम्मा बच्चा और अच्छा बच्चा दोनों अटैम्प्ट कर लें, बहुत निकम्मा बच्चा फेल भी ना हो। और पेपर में कुछ सवाल इस तरह के भी डाले जाते हैं जहाँ पे पढ़ने से जितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, कुछ चार या पांच सवाल इस तरह के डाले जाते हैं जहाँ वो पढ़े वो भी थोड़ा सा परेशान हो कि इस सवालों के जवाब क्या आएंगे। ठीक है, तो दोनों लिहाज से पेपर बनाया जाता है। तो ये वाला अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न अगर देखा जाए तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रख लीजिएगा। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।